कल ही सुप्रीम कोर्ट ने धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के अगले दिन ही आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जातिवाद टिकटों का ऐलान किया है। मायावती ने सभी 403 सीटों का जातिवाद ब्यौरा पेश किया। इनमें एससी को 87, मुस्लिम को 97, ओबीसी को 106 और अगड़ी जाति के 113 उम्मीदवार है। अगड़ी जातियों में 66 टिकट ब्राह्मणों को, 36 कायस्थ, 11 वैश्य और पंजाबी समाज के लोगों को दिए गए हैं। मायावती ने कहा कि अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपना वोट सपा के दोनों खेमों में बांटकर बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए, वरना इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। नोटबंदी के फैसले को आजाद भारत का काला अध्याय बताते हुए मायावती ने कहा, मैं दुआ करती हूँ कि नया साल 2016 की तरह देश की जनता के लिए नोटबंदी जैसी मुसीबत ना लाए। मोदी सरकार मध्यवर्गीय ईमानदार लोगों, गरीबों, किसानों के लिए अभिशाप साबित हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि नए साल में पीएम और बीजेपी को सद्बुद्धि मिले। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए मायावती ने यहाँ अपना जाति कार्ड खेल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि मायावती के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। देखते रहिए डीबी लाइव।